आदिवासियों पर अत्याचार के मसले पर विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कई नेताओं की कांग्रेस छोड़ने पर कहा, मुट्ठी भर लोगों के जाने से कांग्रेस खत्म नहीं होने वाली। बैतूल में एक हफ्ते में दूसरी बार आदिवासियों के साथ मारपीट का मामला सामने आने के बाद उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदिवासियों पर रोज अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो ऐसी घटनाएं तूल पकड़ लेती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनमें FIR तक दर्ज नहीं होती। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार कांग्रेस के लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। इसको लेकर हेमंत कटारे ने कहा कि पार्टी हमारी माँ है और जो माँ के साथ गद्दारी करता है वो किसी के साथ भी गद्दारी कर सकता है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, मुट्ठी भर लोगों के जाने से पार्टी खत्म नहीं होती। ये देखिए क्या रहता है, आदिवासियों के साथ तो भाजपा के शासन में निरंतर अत्याचार हो रहा है, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो ऐसी घटनाएं तूल पकड़ जाती है। अत्याचार रोज हो रहे हैं, रोज घटनाएं हो रही है। कई घटनाएं ये लोग दबा देते हैं, कई में तो केस दर्ज होते नहीं है, या डर के मारे व्यक्ति थाने पर जाता नहीं क्योंकि उसको मालूम है पुलिस का संरक्षण मिलेगा नहीं, लौट के और गुंडागर्दी होगी, उनके साथ अन्याय होगा। लेकिन चुनाव के समय पे ऐसे मुद्दे में मीडिया को भी धन्यवाद दूंगा कि आप लोग भी उठाते हैं ताकत से, जिससे कि जो जागरूक लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि, उन तक ये विषय पहुंचता है, उसके बाद हम भी इस विषय को सदन में और सड़क पर उठा सकते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।